नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने लोहाघाट नगर व ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं में बढ़ती स्मैक व अन्य नशों की प्रवृत्ति पर गहरी चिंता जताई है। पालिका अध्यक्ष वर्मा ने कहा, क्षेत्र के युवा तेजी से स्मैक, चरस व शराब के लती होते जा रहे हैं, जो कि एक गंभीर मामला है। नगर के डिग्री कॉलेज तिराहे, स्टेशन बाजार, हतरंगिया व मीना बाजार क्षेत्रों के होटलों में अवैध रूप से शराब बेची व परोसी जा रही है, जिस कारण नगर का माहौल खराब हो रहा है। पालिका अध्यक्ष ने लोहाघाट पुलिस से ऐसे कारोबारियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग करी है। वहीं उन्होंने अभिभावकों से भी अपने बच्चों पर कड़ी निगरानी रखने तथा नशे के प्रति जागरूक करने की अपील करी है। नगर में पिछले कुछ समय से नशे का कारोबार खूब फलीभूत हो रहा है, जिसमें अफीम से लेकर चरस से लेकर दारू भी मिल रही है। हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो भविष्य है, आने वाला देश का भविष्य है, वो भी बर्बाद की ओर जा रहा है। उनका भविष्य बर्बादी की ओर जा रहा है। मैं समस्त अभिभावकों से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, स्कूल जा रहा है, ट्यूशन जा रहा है, जा रहा है या मार्केट जा रहा है, घूमने कहाँ जा रहा है, खेलने जा रहा है, तो कहाँ जा रहा है, इसमें आप नज़र रखिए। और मैं थाने लोहाघाट से भी यही कहूँगा कि थाना अध्यक्ष से कि आप भी बीच बीच में मॉनिटरिंग करिए और जो भी नशे के कारोबारी हैं इनके खिलाफ सिंगजा करिए। और साथ ही साथ कहीं पर भी ऐसा आप हमको भी मालूम पड़ता है तो हम तुरंत ही सूचना देते हैं। और सर ये चाहेंगे सर, अभी मेरे संज्ञान में तो कुछ आया कि कुछ जहां बच्चे अधिकतर जमघट करता है बच्चों का, उन होटलों में नशा कारोबार काफ़ी हो रहा है। मैं पुलिस प्रशासन से ये कहूंगा कि तुरंत ही होटलों में जाकर के आप एक बार छापा मारिए और जो भी पकड़ में आता है, चाहे कितना ही रसूखदार हो, उसको आप अंदर करिए।